लाइव है। क्या हाल है भाई लोगों, क्या हाल है? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल है विपुल, अदिति, हेमलता, ऑर्गेनोहोलिक? ऑर्गेनोहोलिक का क्या मतलब होता है? लावण्या क्या हाल है? रोनाल्डो क्या हाल है? क्या हाल है गाइस, हाउ आर यू? आपके साथ डॉक्टर शर्मा है और मेरा नाम कपिल है। क्या हाल है? क्या हाल है नेहा प्रजापति, मुस्कान, अश्विता? जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि आपका राज्य, आपका स्टेट कौन सा है, आपका सिटी कौन सा है, क्या आपने वोटिंग की और क्या आपने मोदी जी को वोट दिया? जल्दी से बता दीजिए चार सवाल, बाकी सारी चीजें मिथ्या है। जल्दी बता दीजिए ये चार चीजें गाइस, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आपका स्टेट क्या है, आपका सिटी क्या है, क्या आपने वोटिंग की, क्या आपने मोदी जी को वोट दिया? चलिए, दैट इज गुड। अभी अभी, अभी शुरू नहीं हुआ सर, जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है हर जगह हर अभी शुरू। सर मैं तो फर्स्ट मैं खुद सोच रहा था, मैंने कहा वोटिंग नहीं भी की पर दिल में है तो काम चलता है। नहीं मैंने भी नहीं करी। देखो आदित्य कह रहा है वोटिंग करके आ गया जबकि आज मुजफ्फरनगर में वोटिंग हुई नहीं है। आज चलो भाई लोगों, क्या हाल है? गुड, ठीक है। तो हम लोग इस वाले लाइव सेशन में प्लीज मैयत का माहौल ना बनाए, चिल रहना है, क्योंकि वन थिंग शर्मा सर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज लास्ट 15 डेज इज बीइंग हैप्पी। यस यस राइट यस यस। बहुत सारी स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है मैं भूल जा रहा हूं, टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, पसीने आ रहे हैं, खाना खाने का मन नहीं कर रहा, अजीब सी एंग्जाइटी है। This is the solution to a lot of problems. How they arrive at it? हर रोज आइसक्रीम खा रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा सो रहे हैं, whatever they do. दोस्तों से बात कर रहे हैं, friends से. What do you say, sir? मैं आपसे ये कहूँगा कि you have put your best foot forward. आपने अच्छे से मेहनत करी है. अब वो टाइम है जो एज ओल्ड विजडम को मानने का है. जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है. This is what you must believe in. अब जो हम सुनते बहुत हैं, लेकिन अब ये इसको अपनाने का टाइम है. इस टाइम पर अपने आप से ये कहिए, जो होगा बहुत अच्छे के लिए होगा. There is something beautiful in store for you in the future. इस तरह से आपने अपनी बेस्ट मेहनत की है, आपने अपना सबसे बढ़िया एफर्ट लगाया है, अब आप इसकी चिंता मत करिए. जो भी होगा बेटे बाद में देखा जाएगा. मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी होगा, मैं बार बार यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको बाद में देख लेंगे. अभी मत सोचिए कि क्या होगा, अभी तो ये सोचिए कि अगले 15 दिन मैं और किस तरह से और बेहतर कर सकता हूं, अपने आप को बेहतर शेप में ला सकता हूं ताकि एग्जाम बढ़िया से दिया जा सके. अपना अपने आप को, यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ, डू नॉट थिंक अबाउट अदर्स. दूसरे की जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है, अपनी जिंदगी खुद जीनी है और आपने अपना बेस्ट एफर्ट दिया ये बहुत है. इस छोटी सी उम्र में एक टफ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना, उनके लिए पढ़ाई करना, उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस करके तैयारी करना, ये अपने आप में कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है. ऑब्वियसली रिजल्ट एक अचीवमेंट है, लेकिन रिजल्ट मानिएगा इस बात को कि कोई अकेला अचीवमेंट नहीं है. आफ्टर ऑल ये एक एग्जाम ही है. हम बार बार कहते हैं ये अकेला एग्जाम ये डिसाइड नहीं करता कि आपकी जिंदगी की वर्थ क्या है. जो होगा वो बहुत अच्छे के लिए होगा, ये आपका मंत्रा होना चाहिए इस टाइम. गाइस तो मेरा आपसे सवाल है, मैंने यहां पे 5 क्वेश्चन लिखे हैं जी. वीक एरिया पे फोकस करें या स्ट्रॉन्ग एरिया पे फोकस करें, ज्यादा टेस्ट लिखें या कम टेस्ट लिखें? क्या आप ये 5 क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, क्या ये वाले क्वेश्चन आपके दिमाग में भी है? क्योंकि इन वाले क्वेश्चन से मैं ये वाला लाइव सेशन, और क्योंकि डॉक्टर शर्मा यहां पे है, उनसे भी सवाल पूछते हुए आप लोग को गाइडेंस देना चाहता हूं. इन 5 क्वेश्चंस से आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्या, बताइए जरा मुझे, बताइए स्पेसिफिकली कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपको 5 में से, बताइए बताइए गाइस. एक एक करके चलते हैं, जल्दी बताइए कि कौन से क्वेश्चन से आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. चलिए सर शर्मा सर, पहला क्वेश्चन, वीक एरिया पे फोकस करूं स्ट्रॉन्ग एरिया पे फोकस करूं, क्या ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है? इस टाइम पर
आपका अपना फोकस आपकी स्ट्रेंथ पर होना चाहिए। अच्छा मैं वापस पूछता हूं, तो लेट्स से तीन टाइप के टॉपिक है, टॉपिक वन, टॉपिक टू, टॉपिक थ्री, ये स्ट्रॉन्ग है, है ना, ये हिलता नहीं है, वेरी डिफिकल्ट। मैं स्पेसिफिकली खुद के लिए बोल रहा हूं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, ये टॉपिक हर जने के लिए डिफरेंट होगा और ये मीडियम है। तो आप ही कह रहे हैं इसको, तो मतलब इस पे अब आप अब आखिरी 15 दिन में ये इम्पैक्टफुल काम नहीं है, तो इसमें आप अपनी एनर्जी मत लगाइए, ये एंग्जाइटी ब्रीड करेगा अगर ये पत्थर इतने एफर्ट के बाद भी नहीं हिला, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स नाउ, इस टाइम पर वीकनेस को इम्प्रूव करने का टाइम नहीं है, इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम पे ये है कि आप ये देखिए कि व्हाट हैज वर्क्ड फॉर यू वेल इन द पास्ट। देखिए सबसे पहले एक फीडबैक ये देख लीजिए, सबसे अच्छे रिजल्ट आपको किस चीज के मिले हैं पास्ट में। आपने एक पार्ट कंप्लीशन टेस्ट की तैयारी करी, आपने किस तरह से तैयारी की थी जिसमें आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, सिंपल चीजों का सिंपल आंसर आपको कहीं पास्ट में मिल जाएगा। आपकी इंपैक्टफुल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर एक के लिए अपनी एक इंडिविजुअल अप्रोच होगी, वो उस चीज से सामने आ जाएगी कि आपके लिए पहले क्या चीज ने काम किया है। मेरा अपना मानना यह है कि इस टाइम पर इतना ज्यादा एफर्ट यहां पर नहीं लगाना, प्लीज डू नॉट थिंक अबाउट इट, इतना ज्यादा मत सोचिए इसके बारे में। Yes, तो सर मैं ब्रेकअप बताता हूँ, लेट्स से बायो में 300 आ रहा है, ओके, केमिस्ट्री में 110 आ रहा है, फिजिक्स में 60 आ रहा है, ओके ओके, तो एक अप्रोच ये हो सकती है, मुझे अपना फिजिक्स का स्कोर 60 से 120 ले जाना, एक अप्रोच ये हो सकती है जी। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं यहाँ पे मेहनत करके इसको 340 और इसको 150 पहुंचाऊं। अच्छा अब आप पूछ रहे हैं, अब आपने मुझे एग्जैक्टली ये पूछ लिया कि दोनों में से क्या बेहतर है, करेक्ट। अब ये मेरे लिए, मैं इधर जाऊं, एक सेकंड रुकिए गाइस, आपको समझ में आया, देखिए क्या है, जब हमारे पास कम टाइम बचता है तो हमें चॉइस लेनी पड़ेगी, वी कांट डू एवरीथिंग। फैक्ट ऑफ द मैटर इज 15 दिन यानी करीब 180 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें आपका बहुत सारा टाइम रिविजन के लिए जाएगा, जो भी आप टेस्ट लिख रहे हैं, और उसके बाद पढ़ने के लिए कुछ लिमिटेड आवर्स बचेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, चलिए एक काम करते हैं, आप सबसे पहले अपना ब्रेकअप लिख दीजिए कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ब्रेकअप क्या आ रहा है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, और फिर मैं आपको एक नजरिया देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसा जंग में होता है सर, यू रिट्रीट एट सम प्लेसेस स्ट्रेटेजिकली एंड यू रिइंफोर्स एट सम अदर प्लेसेस। तो एक वॉर है, एक छोटे छोटे बैटल्स हैं, तो बैटल आपको पिक एंड चूज करने पड़ेंगे। आपका आपका ध्यान वो पूरे वॉर पर है, आपकी स्ट्रेटेजी जो हम बात करते हैं बार बार फुल काम की, कि वो क्या काम है जिसका रिजल्ट आना है, तो बेसिकली इस टाइम पर वो मेहनत होनी चाहिए जो रिजल्ट में रिफ्लेक्टेड हो रही है। इसीलिए यहां पर जो ये वाली स्ट्रेटजी है इसको ज्यादा आसानी से किया जा सकता है, यहां पर इसको आप 100% इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल डबल करने की बात कर रहे हैं, बिलीव करिए इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट। और बीच में प्रॉब्लम क्या है कि अभी आप 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे कई बारी इस तरह के मेहनत का अगर आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता, मान लीजिए अगले ही पेपर में आपके नंबर नहीं बढ़े, तो आप एक और नेगेटिव स्पाइरल में चले जाते हैं। सो मैं ये नहीं चाहता कि इस टाइम पर कोई भी किसी भी तरह से जो एक एक अपने थॉट प्रोसेस में किसी भी तरह नेगेटिव को ले कि मेरे से हो नहीं रहा, सब कुछ हो रहा है आपसे और होगा भी आपसे, आपको यह सोचना है, आप यह समझिए कि इस टाइम पर आप अगर नंबर बढ़ाने हैं तो यह बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, यह 80 नंबर बड़े आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं, दिस इज मच बेटर डूएबल देन दिस। इसका मतलब यह नहीं है कि इसके ऊपर आपने एफर्ट नहीं करना है, जैसा सर ने कहा जो होगा देखा जाएगा, इसको नॉर्मल तरीके से अप्रोच करिए और यह चीज देखना कि जब आप यहां बेहतर करेंगे तो अपने आप यह कॉन्फिडेंस रब होकर के यहां पर आएगा, करेक्ट, और करेक्ट, कुछ करेक्ट। ना कुछ इंक्रीज जरूर मिलेगा आपको इसी वजह से कि आपने यहां पर पॉजिटिव एटीट्यूड से पढ़ाई करी। गाइस समझो इसे, देखो सुनो मेरी बात, वापस देख लो, अभी हो क्या रहा होगा कि आप आपके डेली रूटीन में लेट्स से आप 12 आवर्स पढ़ते हैं, है ना, आप में से सब लोग को फिजिक्स में तकलीफ है, ऑलमोस्ट सबको, तो 12 घंटे में से 6 घंटे फिजिक्स में डाल दिए, है ना, काफी सारे लोग टेस्ट लिख रहे हैं तो लेट्स से 2-3 घंटे टेस्ट में चले गए, ठीक है,
और 3 घंटे बायो और केम पे डाल रहे हैं। यदि आपका वो वाला ब्रेकअप है, मैं वापस लिख देता हूं, बायो केम फिजिक्स 300 110 60, दिस इज अ बैड स्ट्रैटेजी। प्लीज समझिए गाइस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था अपने वीक एरियाज लिख दो। यदि आपके वीक एरियाज का मतलब है 25 चैप्टर 30 चैप्टर नहीं आते, दिस इज नॉट अ गुड प्लान। अभी मैं कहना इसका एक एक, एक 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 बहुत बढ़िया वो देता हूँ सर। अभी मतलब क्या हुआ कि हम पेपर लेते हैं, अभी मैं और आप बैठ के पेपर को एनालाइज कर रहे थे, आप लोगों की परफॉर्मेंस एनालाइज कर रहे थे, तो हम ये देखते हैं कि 50% से कम कितने क्वेश्चंस हैं जिनका करेक्ट परसेंटेज 50% से कम है, और वो हम एक बार उन क्वेश्चंस को रिव्यू करते हैं, कहीं हमारी तरफ से कोई गलती तो नहीं, कहीं कोई लैंग्वेज में एम्बिग्विटी तो नहीं आ गई, कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं दे दिया जो नीट में रेलेवेंट नहीं है। तो होमवर्क एग्जाम के बाद में हमारा भी होता है, हम एनालाइज करते हैं, बच्चे पता नहीं एनालाइज करते हैं कि नहीं करते अपनी परफॉर्मेंस को, लेकिन हम जरूर एनालाइज करते हैं उस रिजल्ट के बेस पे। कई बार मैंने ये देखा है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस जो कि बच्चों ने गलत किए हैं वो सेक्शन बी के हैं, और सेक्शन बी में आपके पास चॉइस होती है। ये किसने कहा कि आपको पहले 10 क्वेश्चन करने हैं? सो कहने का मतलब ये आपको ठीक 10 क्वेश्चन करने हैं, दैट इज अ बैड स्ट्रेटजी कि आपने कहा नहीं मैं तो पहले 10 ही करूंगा। अरे भैया, हर क्वेश्चन के नंबर 4 ही तो हैं, तो यहां पर आप फिजिक्स का क्वेश्चन करें, यहां पर आप बायो का क्वेश्चन करें, केमिस्ट्री का क्वेश्चन करें, मुश्किल करें, आसान करें, नंबर 4 ही है। सो प्लीज to understand this very objectively, जो सर यहां पर कह रहे हैं कि मैं जब अपनी वीकनेस पे काम करता हूं और मेरे स्किल लेवल अगर 0-10 के ऊपर 2 या 3 है, तो इसको इंप्रूव करने में जितनी एनर्जी लगती है उसमें दूसरे स्किल लेवल में बड़े आसानी से इससे ज्यादा डिविडेंड उसी टाइम में आ सकता है। दिस इज रैशनलाइजेशन, दिस इज इंपैक्टफुल स्टडी, दिस इज व्हाट वेयर माय टाइम शुड गो। आफ्टर ऑल सबके 4 ही नंबर तो हैं। यस सर, कहीं समझ में आ रही है क्या आपको बात? मुझे एक बार बता दीजिए। प्रिंस दिया, मैंने देख लिया आपकी बात, आप महाज्ञानी हैं, मुझे ये वाला मैसेज वापस नहीं चाहिए। आप एक बार और डालो और हम आपको मुक्ति दे देंगे यहां पे। मेरी बात सुनो गाइस, क्या आपको ये बात समझ में आई? यहां पे इस वाले वीडियो का, इस वाले लाइव सेशन का पर्पस ये नहीं है कि हम आपको बताएं कि आप 200 से 700 पे कैसे पहुंचेंगे। दिस इज नॉट व्हाट दिस लाइव सेशन क्लेम्ड इन द थंबनेल। लाइव सेशन इस थंबनेल में ये वाला क्लेम करता है कि हम आपको बताएंगे कि आप अपना स्कोर जितना भी आ रहा है बूस्ट कैसे करें। तो बूस्ट करने का पहला प्लान यह है कि हम दीवार पे माथा ना मारे। यदि हमें आज तक रोटेशन मोशन समझ में नहीं आया, तो इट इज बेटर दैट वी पुट आवर एनर्जी समवेयर एल्स, यस, रादर देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड रोटेशन मोशन इन नेक्स्ट 15 डेज, जो मुझे पूरे साल में नहीं समझ में आया। Let this not be the battle point right now. Is this clear to everyone? अपने आप को शांति पहुंचाओ, find out areas जहां पे आते हुए गलती हो रही है, जहां पे आपको confidence है फिर भी गलत करके आ गए। Are you understanding this guys? Please understand. मैं आपको बता रहा हूं, आप यदि प्रेशर में हैं, आपके 610 नंबर आ रहे हैं, अभी नीट एग्जाम में 500 रह जाएंगे, यदि आप उस प्रेशर को अननेसेसरीली कैरी करेंगे, आपके पास जो घोड़े हैं, आपके पास जो मुर्गियां हैं, आपके पास जो बर्ड्स हैं, उनको पकड़ के रख लीजिए, उनको रीइंफोर्स कर लीजिए, बाकी धीमे धीमे बाकी की चीजें पकड़ेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन गाइस? प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया आ रहा है सर जी। गुड सर, एक बार पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी की बात करते थे, जब आपने सेक्शन बी की बात करी, मैं बच्चों को ये वाली चीज बताना चाहता हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे ऐसा लगता है आप जैसे भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं प्लीज कंसिडर दिस, ठीक है? पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, ठीक है? और इसमें शर्मा सर एक चीज जिसका आंसर करेंगे तो मैं लिख देता हूं, शर्मा सर, डॉक्टर शर्मा, आप नॉट एबल टू सॉल्व इन एग्जाम, एग्जाम में सॉल्व होता नहीं है, एबल टू सॉल्व एट होम, है ना? ये कितने लोगों को ये वाली प्रॉब्लम होती है, कितने लोगों को ये वाली प्रॉब्लम होती है जरा बताइए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि बच्चा ये कह रहा है कि सर एग्जाम पेपर में बैठ के पता नहीं क्या हो जाता है, वहां आंसर नहीं निकलता, घर आते ही पता लगता है बहुत आसान था, ये तो किया हुआ था, सारी चीजें याद आ जाती हैं और बाहर निकलते ही सबसे पहले आंसर याद आ जाता है। करेक्ट। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी एक बार इन्हें बता देता हूं, मेरे हिसाब से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट अ मैथ्स ओलंपियाड एग्जाम जिसमें 10 में से 2 क्वेश्चन किए
तो आपकी टॉप 10 में रैंक आ जाएगी, राइट? इट इज एन एग्जाम विच इज हॉरिजॉन्टल इन नेचर, सब कुछ कवर होता है पर डेप्थ नहीं होती, डेप्थ नहीं होती, राइट? तो पहली चीज समझिए गाइस, पहली चीज अपने दिमाग में ये चीज सोच लीजिए, रन टू द एंड। इसका मतलब क्या है? डॉक्टर शर्मा आपकी रैंक क्या थी एफएमसी में? 3 या 4 थी, पता नहीं, 3 थी, है ना? तो मैं बच्चों को ये बोलना चाहता हूं कि पहली गो में जो भी क्वेश्चन अटपटा लगे, गोला मारो, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, क्योंकि एग्जाम का नेचर जो है वो ये है, 200 क्वेश्चन 200 मिनट में रीड करके 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है? आप ये भी समझ लीजिए गाइस कि एग्जामिनर आपका दुश्मन नहीं है, ये वाली रियलिटी एग्जामिनर को भी समझ में आती है। यदि आप इसी को जेई मेंस और जेई एडवांस में ले जाएंगे, ज्यादा टाइम मिलता है, देयरफॉर क्वेश्चन का डेप्थ ज्यादा होता है, यहां पे डेप्थ नहीं होगा, यहां पे डेप्थ नहीं होगा। तो 200 क्वेश्चन तक पहुंचना बहुत जरूरी है सबसे पहले। तो व्हाट आई एम टेलिंग स्टूडेंट्स इज, इसका मतलब ये है आप 2 रन्स में अटेम्प्ट करना है, ठीक है? आप क्या करेंगे, 1 रन आपने मारा, व्हाट एवर दैट टाइम इज, सो फॉर एग्जांपल किसी भी क्वेश्चन पे 15 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगाया, यदि आपको लग रहा है टाइम लग रहा है, सेक्शन बी का शर्मा सर ने बोला भाई सेक्शन बी के अटेम्प्ट क्यों कर रहे हो, यदि आप ये वाली अप्रोच लगाएंगे आप उसे गोला मार के आगे बढ़ जाएंगे, आपको 10 आसान क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। तो प्लीज फर्स्ट रन में सिर्फ वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो आपको आते हैं अच्छी तरह, आप कॉन्फिडेंट है। मेरे हिसाब से फर्स्ट रन आपका करीब 100 मिनट में हो जाएगा, ठीक है? फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 0 to 200, और हो सकता है इसके अंदर 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रह जाए, और फिर नेक्स्ट रन अनदर 100 मिनट का, या लेट्स से जो भी होता है गाइस, और उसके बाद 30 क्वेश्चन जो बचे हुए या 40 क्वेश्चन जो भी बचे हुए, यदि आप इस तरह से करेंगे और यहां पे सर्किल मारते हुए चलते जाइए, गोला मारते हुए चलते जाइए, जो भी क्वेश्चन आपको आता नहीं है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। मैं आपको एक और चीज बताता हूं सर, 2022 में मुश्किल पेपर आया था बायो का, वो वही क्वेश्चन है, वो वही पेपर है जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 2 क्वेश्चन आए थे, भर भर के असर्शन रीजन आ गए थे, जबकि बच्चे अज्यूम करके बैठ गए थे असर्शन रीजन नहीं आता। जो भी लोग अटक गए कि मैं तो बायो का शहंशाह हूं, मेरे तो 360 में से 360 है, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, दे वर सिटिंग ऑन बायो पेपर आफ्टर 2 आवर्स, इफ दे हैड अप्लाइड दिस दे वुड हैव फिगर्ड आउट कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो पार्टी मची पड़ी है, जल्दी से किया वापस और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। तो गाइस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वे यू विल अटेम्प्ट द पेपर, आप किसी भी क्वेश्चन पे अटकेंगे नहीं, दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्योंकि इंटरनल चॉइस है, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद एग्जामिनर वहां पे मुश्किल क्वेश्चन डाले, क्योंकि आपको ये हक दिया गया कि 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। यदि आपने नालायकों की तरह अटक गए क्वेश्चन पे, ऐसा कैसे हो सकता है कि लोकोमोशन का एंड मोशन का क्वेश्चन मेरे से हो नहीं पा रहा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, तो गड़बड़ हो जाएगी गाइस। यदि शर्मा सर जैसा एग्जामिनर हुआ किसी भी चैप्टर के अंदर आपका पसीना निकाल देगा, तो आपको अटकना नहीं है। क्या ये क्लियर है गाइस? प्लीज मुझे बताइए। वो सर बात यही है ना, हर क्वेश्चन के नंबर बार बार ये समझ लो 4 है। आपको अगर आपके सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन गलत हुए और आपने पहले 10 अटेम्प्ट किए, तो ये तो क्राइम है ना सर। बिल्कुल सही बात, ये क्राइम है, करेक्ट, ये इसकी माफी नहीं है, ये वो चीज है जो आप बिल्कुल अवॉइडेबल मिस्टेक है। तो इसीलिए पहले तो आपने 15 देख करके, पहले 10 आते भी हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि यार 3-4 मिनट और लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, और देख लो 15 में से बेस्ट 10 कौन से। अरे सर गोला मार दो ना, जरा सा भी डाउट है गोला मार दो, बाद में कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल, पर गाइस प्लीज इस वाले पार्ट में बस पागलों की तरह दौड़ो, जल्दी से कर डालो, क्योंकि गोला मार के आगे बढ़ जाओ। ये भी तय है कि 340 नंबर करीब करीब उन बच्चों के आते होंगे जिनके हरेक सेक्शन बी में, हरेक सेक्शन बी में सारे ठीक होते होंगे, क्योंकि वहां ये गलती नहीं होती होगी, ये बात तय है। बिल्कुल ठीक है, तो ये बात तय है कि ये नंबर में लाने के लिए हमें सेक्शन बी बिल्कुल बिल्कुल जिसे कहते हैं ना टू दी डॉट, जिसे कहते हैं बिल्कुल करेक्ट करना है, ठीक है? अब गाइस इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज है, शर्मा सर ने एक तो ये बात आपको होपफुली समझ आ गई सेक्शन बी की, और दूसरी चीज अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि 200वां क्वेश्चन सबसे आसान है, तो 200 क्वेश्चन पे पहुंचना है, इट इज अ क्राइम इन नीट एग्जाम की आपके 10 क्वेश्चन छूट गए। मैं वापस बोल रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, इट इज अ क्राइम इन नीट एग्जाम की आपके 10 क्वेश्चन छूट गए, नहीं छूट सकते। तो आपका काम
पहली दौड़ लगा के 200वें क्वेश्चन पे जाना है, बबलिंग कर लो जैसे भी आपकी स्ट्रेटेजी है। मैं रेकमेंड करता हूं कि हर सेक्शन 4 बार बबलिंग करनी है, फिर वापस आए और फिर अटेम्प्ट किया बबलिंग, एंड में नहीं करनी। क्या ये बात क्लियर है गाइस? 200वां क्वेश्चन, लास्ट के 10 फिजिक्स के क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन है, इस वाले नजरिए से करना है। प्लीज ये मत सोचिए कि रोटेशन मोशन का क्वेश्चन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के क्वेश्चन से मुश्किल आएगा, हो सकता है आसान हो। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। प्लीज गाइस, इज दिस क्लियर? अब शर्मा सर इस वाले सवाल पे आ जाते हैं, एग्जाम में सॉल्व नहीं हो रहा, पर घर पे सॉल्व हो जाता। मैं इनसे एक लाइव एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप तेजी से आंसर दे दें तो नहीं, बोर्ड की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मुझे तेजी से आंसर चाहिए बेटे, तेजी से का मतलब है जैसी मैं क्वेश्चन खत्म करूं आप अपना आंसर टाइप करना शुरू कर देना, ठीक है? नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी, तो मुझे बताइए बाइल पिगमेंट्स का ह्यूमन बॉडी में क्या फंक्शन है, फैट डाइजेशन में या एब्जॉर्प्शन में, जल्दी बताइए। सो लेट अस सी कितने आंसर आ रहे हैं। इमल्सिफिकेशन, बाइल पिगमेंट बोल रहा हूं बेटे, बाइल सॉल्ट नहीं बोल रहा हूं। आप धड़ल्ले से आंसर दिए जा रहे हैं बाइल सॉल्ट के ऊपर, क्वेश्चन में पूछ रहा हूं बाइल पिगमेंट जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन है उसका फैट मेटाबॉलिज्म में कोई रोल ही नहीं है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, आपको मैंने बता दिया। आप एग्जाम में वो आंसर दे के आ रहे हैं जो आपके हिसाब से एग्जामिनर ने पूछना चाहिए था, बजाय उसके जो पूछा गया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर? लॉजिक क्या है? प्रेशर है क्या? प्रेशर नहीं है सर, होता क्या है कि हमारा जो दिमाग है उसने ये सोच लिया है कि तेजी से जैसे करना है तो हम पहली चीज को पढ़ करके पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते और सीधा आंसर देख लेते हैं। तो आपने उधर बाइल पढ़ा और इधर आपने इमल्सिफिकेशन डाला और आपने एकदम जो है वो आंसर लगा दिया उसको। तो यहां पर जनरली कई बार आपने एक व्हाट्सएप पे मैसेज देखा होगा कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस आपके पास आया उसमें भर भर के अंग्रेजी की गलतियां हैं, लेकिन आपका दिमाग उसको ठीक पढ़ देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। तो कई बार वो 2 बार द लिखा होता है, वो कहते हैं पढ़ के दिखाओ इसको, तो आदमी एक ही बार द पढ़ता है उसको। तो ये हमारा ब्रेन इस तरह से ट्यून्ड है, ये इवोल्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्रिटिकल एस्पेक्ट ये है कि क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है, क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है, ये गलती नहीं होगी जो आप कह रहे हैं कि एग्जाम में बेटे हो जाता है और घर आकर, एग्जाम में नहीं होता और घर आकर के हो जाता है। 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगता। और समझ लीजिए, एक क्वेश्चन अपने दिमाग में पूछिए, ये क्या मैं सही समझ रहा हूं यही पूछा गया है, क्या मैं यही सब समझ रहा हूं जो कि बिल्कुल सही है, क्या यही पूछा गया है, उसका आंसर दीजिए। आप देखिए यहीं पर आपके ओवर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, बिलीव करना मेरी इस बात को बेटे, आपके यहां पर 30-40 नंबर बढ़ेंगे। शर्मा सर, हां जी, कुछ यहाँ पे नालायक बैठे हुए हैं, कहते सर आउट ऑफ सिलेबस है, जरा नहीं सर, ये मतलब क्या है कि मैं इनको बाहर नहीं निकालना चाहता, मतलब इनको कोई बात नहीं, देखो आर्यन लोहार ये भाई इसी में इनका बाइल पिगमेंट इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि आरबीसी जब मेटाबॉलिज्म होता है तो जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस आपने पढ़ा होगा उसमें जॉन्डिस की होती है, तो आपको पता होगा बिलीरुबिन की वजह से होती है, तो छोड़ दीजिए इस बात को। खैर, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस तरह की मिस्टेक होती है, जब इस तरह की मिस्टेक होती है तो आपको क्वेश्चन को 2 बार देख लेना चाहिए, और जब आप 2 बार क्वेश्चन देख के अच्छे से समझ जाते हैं तब आप उसका आंसर दीजिए। बिलीव करना, आप इस बार का जो प्रैक्टिस पेपर हम लोग यहां पर आपको देंगे, इस काम को करके देखिए। कोई भी स्ट्रेटजी देखिए आयरन क्लैड नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि इट इज नॉट नेसेसरी जो मैं कह रहा हूं उसे आपने अक्षरशः मानना है। अगले वाले जो पेपर में आप एक बार इस काम को करके देखिए, इफ इट वर्क्स फॉर यू इस चीज को आप एग्जाम में लेकर के जाइए। इसीलिए हम कहते हैं द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बॉन, प्रैक्टिस करी ही इसीलिए जाती है कि यहां पर हम ये चीज सुनिश्चित कर लें कि एग्जाम में जाके हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर इस तरह के काम के करने से अगर आपका अटेम्प्ट बढ़ता है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपके जो सिली मिस्टेक्स जो आप कहते हैं या अनफोर्स्ड एरर है वो कम होना शुरू हो जाते हैं, तो ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिस पेपर से आपको एक सीख मिली और यहां पर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ कि आपको समझ में आ गया कि आपके सिस्टम में गलती क्या थी और आप इसे एग्जाम में रिपीट नहीं करेंगे। दिस वुड बी अ वेरी गुड टेक अवे पॉइंट। और अब इस टेस्ट को करने का आपको
वाकई में फायदा हुआ। आप टेस्ट खाली इसलिए नहीं कर रहे हैं कि किसका क्या आंसर है, आप ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले फिजिक्स करूं, पहले केमिस्ट्री करूं, पहले बायो करूं, पहले सेक्शन ए करूं, सेक्शन बी करूं, वॉट एवर वर्क फॉर यू इन दी प्रैक्टिस पेपर्स, उसी चीज को आप रेप्लीकेट कर दीजिए, कहां पर एंट्रेंस एग्जाम में आपका रिजल्ट बेहतर आ जाएगा। Alright guys, तो हम लोग आधा घंटे लाइव सेशन में है, has it been useful till now? क्या आपको कुछ स्पेसिफिक दिमाग में आई चीजें जिनसे आपको लगता है कि बचे हुए 15 दिन में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उससे आपका स्कोर बूस्ट होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको दिमाग में कुछ बत्ती चमकी, क्या आपको कुछ स्पेसिफिक एडवाइस मिली मेरे से, डॉक्टर शर्मा से, जिससे आपको लगता है आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आपका स्कोर बूस्टअप होगा? बताइए क्या है वो एडवाइस, क्विकली मुझे बता दीजिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। और मैं इस वाली चीज पे, सर एक मिनट यहाँ पे रहिएगा, मैं इस वाली चीज से आपसे वापस पूछूंगा, क्या एडवाइस आपको समझ में आई, क्या आपने इंटरनलाइज की जो आप इंप्लीमेंट करेंगे? दो बार रीड करने वाली समझ आई? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी एडवाइस जो हमने बोली है बहुत प्रिसाइसली, भगवान के लिए उन वाले टॉपिक्स को इंप्रूव करने की कोशिश मत करिए जो कंटिन्यूस बाउंसर है मिचेल स्टार्क की, जो सर पे दीवार मारने लायक है, अभी उनसे लड़ाई नहीं करनी है। लेट अस कंसोलिडेट आवर विंस, लेट अस कंसोलिडेट आवर स्ट्रेंथ्स, जहां पे हम अच्छा कर रहे हैं उसको पकड़िए। और हमने आपको एडवाइस दिया विद रिस्पेक्ट टू पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, तो सर इसमें करना क्या है, दो बार पढ़ना है? मतलब मेरा अपना मानना यह है कि अब जरूरी नहीं है कि मतलब आपने हर क्वेश्चन को दो बार पढ़ना है, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मान लीजिए आप फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने बहुत ध्यान से कहा देखा होगा कि इसमें फोर्स कहाँ लग रहा है, ये क्या लग रहा है, वो कहाँ लग रहा है, अब इस ये तो आपने ध्यान से किया। बायो में प्रॉब्लम ये है कि हम कई बार क्वेश्चन को प्री सपोज कर जाते हैं कि यही पूछा होगा और एग्जामिनर के पास एक ही हथियार बचा है कि वो लैंग्वेज मतलब वो कुछ ना कुछ इस तरह का करेगा, नॉट नहीं पढ़ा, एक्सेप्ट नहीं पढ़ा, इस तरह की जो गलतियां होती हैं ये अवॉइडेबल है। और इस तरह की गलतियां अगर 30-40 नंबर की हो रही है इतने आसान पेपर में, तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा जो ये गलती नहीं कर रहा वो आपसे 30-40 नंबर आगे है। इमीडिएटली आपको इसकी इंप्लीकेशन मुझसे बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। पेपर में ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत खतरनाक हो, पेपर आसान है, आपको ज्यादातर आता है। अब सवाल ये है कि जो आपको आता है आप 100% एक्यूरेसी से उसको एग्जाम में रेप्लीकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आती हुई चीज को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ उससे नहीं होगी। रेयर थिंग्स आर रेयरली, आज याद रखना बेटे इस बात को, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत रेयरली कोई रेयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर तो सिंपल चीजों को परफेक्टली ठीक करना है एक प्रेशर सिचुएशन में, जहां पर एक कैरियर डिफाइनिंग टाइप का एग्जाम आप दे रहे हैं या खासतौर पर आपने माना हुआ है कि बहुत खतरनाक एग्जाम है, उतना है नहीं। और वहां पर अपने आप को ठंडे दिमाग से जवाब करेंगे तो इस तरह की गलती नहीं होगी, और अगर इस तरह की गलती नहीं हुई तो इस पेपर में ज्यादा फिर गलती का स्कोप नहीं है। बायो में ये बात मैं दावे से कह सकता हूं। चलिए तो गाइस एक और चीज है, प्रिंस और स्टडी ओनली बोल रहे हैं कि मैंने कल कहा था वीक एरिया पे फोकस करो, आज बोल रहे हैं स्ट्रेंथ पे फोकस करो। मैं आपको वापस बता देता हूं गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यदि आपके 200 नंबर आ रहे हैं तो कौन से स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं और कौन से वीक एरिया की बात कर रहे हैं? इस पे फोकस करना ठीक है, इस पे फोकस करने का मुझे लोगों के मैसेज आए कि सर मुझे 40 चैप्टर नहीं आते, आपने कहा फिक्स कर दो, मैं फिक्स कर रहा हूं, क्या करूं मैं इसका, इस वजह से ये वाली चीज यहां पे बोल रहा है। स्टडी ओनली और प्रिंस, क्या आपको बात समझ में आई? प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यदि किसी का 650 नंबर आ रहा है तो दिस इज नॉट फॉर दैट पर्सन, ये देखो ब्रेकअप। प्लीज गाइस अप्लाई योर माइंड, क्या बोल रहा हूं मैं, किसके लिए बोल रहा हूं? यदि आपका 650 नंबर आ रहा है तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू लीव दीज ऑल्सो, पर यदि आपका 350 नंबर आ रहा है तो क्या है वीक एरिया बताओ, समझ में आया? ठीक है, दूसरी चीज आप में से किसी ने क्या पूछी, मकसूद ने पूछा कि ब्रेकअप क्या होगा जब मैं रन टू दी एंड कर रहा हूं तो ब्रेकअप क्या होगा? तो ब्रेकअप देख लो मेरे हिसाब से, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, लेट से आप इस सीक्वेंस में मूव कर रहे हैं, बायो में 50 मिनट, केमिस्ट्री में 50 मिनट, फिजिक्स में 70 मिनट, 30 मिनट बफर, बट विद द कॉशन यदि बायो का पेपर बहुत मुश्किल है तो आपको आगे बढ़ जाना और वापस आना, हो सकता है बायो में ज्यादा टाइम लगे, पर एज एन इंडिकेटिव आप अपने दिमाग में इस तरह से जा सकते हैं कि मुझे अपने आप को इस तरह से पेस करना है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर गाइस?
आर्यन चिटचैट मत करो यहाँ पे, आर्यन सिंह सेंगर यहाँ पे चिटचैट मत करो यार, जो भी टाइम पास लोगे प्लीज यहां से चले जाओ, चिटचैट मत करो। इज दिस क्लियर गाइस? आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने पहला क्वेश्चन ये आंसर किया, कितने टेस्ट देने हैं, ज्यादा टेस्ट लिखूं, हर रोज टेस्ट लिखूं, हर रोज दो टेस्ट लिखूं, दो दिन में एक टेस्ट लिखूं, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बचे हुए 15 दिन में कितने टेस्ट लिखूं, हाउ मेनी टेस्ट टू राइट इन नेक्स्ट 15 डेज, है ये सवाल? हेलो, है ये सवाल सर? सर इसमें है ना, अभी मैं आपके पिछले वाले आंसर से ही क्यों लूंगा, अगर आपके पास पढ़ने को कुछ नहीं है, आपके हर बार 650-700 नंबर आ रहे हैं, टेस्ट रोज लिखो, दिन में दो बार लिखो, टेस्ट की कमी नहीं है, हम खूब सारे दे। और नहीं तो एक बार अपने आप से ये पूछ लो कि जो पहले टेस्ट लिखे थे उनका किया क्या, कभी देखा भी उसको दोबारा, उसमें से आपने कोई ऐसे टेक अवे पॉइंट लिखे थे कहीं पर, कहीं ऐसा तो नहीं जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग टेस्ट आप करते जा रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं, कितने टेस्ट लिखने हैं, दो काफी है? बहुत, दो तीन, ज्यादा से ज्यादा चार, बस चार भी क्यों सर, मतलब मैं कह रहा हूं ताकि ये ना लगे कि मोर टाइम टू स्टडी, यस यस यस, वॉटलेस प्रैक्टिस है ना, व्हाट यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। देखो बेटे, अगर आप अब तक 20-30 टेस्ट दे चुके हैं तो आप करीब करीब वो हर काम कर चुके हैं जो नीट एंट्रेंस एग्जाम में किसी ना किसी तरह से पूछा जा सकता है, आप ये बात मान के चलिए, अगर आप 20-30 टेस्ट दे चुके हैं, मैंने भी आपके साथ टेस्ट सीरीज बनाई है नीट प्रेप के साथ में, आप इतना सारा टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें हमारा भी, हम जब पेपर बनाते तो हमें पता है कि जब आप अब तक जितने टेस्ट कर चुके हैं करीब करीब वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर ली जा चुकी है जो कि नीट एंट्रेंस में आएगा। इसमें अब मेन मुद्दे की बात ये है कि क्या पिछले टेस्ट में से आपने हर एक में से दो दो तीन तीन वो जो पर्ल्स जिसे कहते हैं, मोती कहते हैं, वो अलग लिख लिए, ताकि इस मोमेंट पर आप देख लें कि मैंने पिछले सितंबर में जो टेस्ट किया था उसमें यह गलती करी थी, यह गलती मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है, अगर दोबारा एग्जाम में आ जाए तो मैं यह गलती नहीं करूंगा। अगर आप इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं तो जरूरत से ज्यादा टेस्ट देने का इतना बड़ा एडवांटेज नहीं होगा। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं कि 3-4 एग्जाम्स काफी हैं उस तरह के बच्चे के लिए जिसको अभी पढ़ना भी है, जिसको अभी चीजों को थोड़ा बहुत रिवाइज भी करना है, लेकिन उस बच्चे के लिए जिसका हमेशा 650 से ऊपर स्कोर आता है, यह एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। जो आपने अब तक किया है वो बहुत बढ़िया किया है, आफ्टरऑल ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, आप अपने बारे में हमसे भी ज्यादा अच्छा जानते हैं, कंटिन्यू डूइंग दैट, अगर आप दिन में दो टेस्ट करते हैं देन दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। तो गाइस मैं आपको, यदि आपको बिल्कुल प्रिसाइज आंसर चाहिए, 200 से 500 जिनका स्कोर आ रहा है 2-4 टेस्ट, ठीक है, आप लेट से 500 से 600 बोल लेता हूं या 500 से 650 बोल लेता हूं, 4-6 टेस्ट, ठीक है, 650 प्लस एनी नंबर योर विश, यू आर डूइंग ग्रेट, बहुत बढ़िया, कैन बी डेली, है ना। पर यार एक तो है ना, बुरा मत मानो प्लीज भगवान के लिए कि मैं नालायक हूं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर व्हाट एवर रीजन यू आर नॉट एबल टू स्टडी और उसकी वजह से आपका 200 नंबर आ रहा है, बहुत सारे लोग के साथ ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने इस बार बोर्ड एग्जाम दिया, उसके साथ नीट का तैयारी किया, साथ में मैनेज नहीं हो पाया। डोंट फील बैड अबाउट एनीथिंग, इट इज जस्ट अ स्टूपिड लिटिल एग्जाम एट एज 18। आपके सामने आपकी जिंदगी पड़ी हुई है, अपने आप को अननेसेसरीली प्रेशराइज, अपने आप को अननेसेसरीली फालतू चीज के ऊपर मेजर मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली आई एग्री, ठीक है, तो प्लीज इतने काफी है। मैं आपको, मेरे दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जिसके कम नंबर आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा टेस्ट ना लिखे। चलो मैं एक पर्सपेक्टिव देता हूं, हाँ। 25 लाख बच्चा पेपर देगा, सही है सर? सही है, करीब यही नंबर है, हाँ, 24.6 है, मतलब करीब 24 लाख बच्चा पेपर देगा। आप इस तरह के टेस्ट में अपियर हो रहे हैं, आप एक बात सोचिए, आप अपना जी जान लगा रहे हैं, आप बहुत बड़े बेटे काम को कर रहे हैं ऑलरेडी, इससे फर्क नहीं पड़ता इसका रिजल्ट क्या आएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस,
आप इसको कम समझ रहे हैं कि आपने बोर्ड भी किया, आपने और भी प्रॉब्लम्स को फेस किया और उसके बाद में एग्जाम की तैयारी भी करी और एग्जाम जाकर के दिया, अपनी बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी से लिखा। ये अपने आप में पार्टिसिपेशन एक बहुत बड़ा एंजॉयमेंट का रीजन है। ये सेलिब्रेशन की बात होती है। इट इज नॉट नेसेसरी, रिजल्ट तो आ ही जाएगा बेटे, चिंता नहीं करिए उस बात की, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी भी चीज का दिमाग पर जरूर से ज्यादा हवा मत बनाइए। आपने इतना किया, आप इसके लिए अपने आप को खुद कांग्रेचुलेट करिए कि अरे मैंने इतने बड़े एग्जाम में अपीयर हुआ, अपने सारी लिमिटेशंस के बावजूद मैंने तैयारी करी, मैंने अपनी बेस्ट एफर्ट दिया। देखिए, जब आप जानते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा है और आपने अगर एफर्ट नहीं किया तब गिल्ट आता है, तो उसे गिल्ट कहते हैं। वहां पर ये जायज है इस तरह की फीलिंग की यार ये मेरे से क्या हो गया, दैट इज ओके। लेकिन उसके बावजूद वहां पर अच्छा बच्चा ये सोचेगा कि यार मेरे हाथ का था, पेपर देते ही समझ में आ जाएगा, मैंने अगर 15-20 मिनट और तैयारी करी होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। हर चीज से आपके पास एक सीख निकल के आती है, और अगर आपने वो सीख लेके आगे बढ़ना सीख लिया तो जिंदगी में फेलियर किसी को नहीं कहते। बहुत लंबी जिंदगी है बेटे, आप समझिए, इसमें बहुत सिचुएशंस आती हैं, उस सिचुएशन में आपका जो रिस्पांस है वो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है। तो आपके सामने सिचुएशन आएगी, आपके रिस्पांस से पहले आपके पास चॉइस होगा कि ये रिस्पांस क्या हो सकता है। आप नेगेटिव माइंडसेट से रिस्पोंड करेंगे या फिर इसको पॉजिटिव तरीके से कन्फ्रंट करेंगे, और ये छोटे मोटे बैटल तो आते रहेंगे जिंदगी में, अभी तो शुरुआत है, और यहां से आपकी डेस्टिनी और आपका सक्सेस डिसाइड होगा। सो आई विल कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि आप इतने बड़े एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। दैट इज अ रीजन इन सेलिब्रेशन ऑफ अपीयरिंग इन द एग्जाम एज वेल। तो मैं बच्चों को एक और नजरिया इस पे देना चाहता हूं सर। जी सर। ये ना मतलब प्रेशर ले रहे हैं, सुनेंगे नहीं। सर एक मिनट, मुझे यहां पे स्पेस अवेलेबल है। गाइस ऐसे सोच लो कि पढ़ने के चार पार्ट है, आगे चलते हैं। हाँ, चार पार्ट है। एक है लेट से स्टडी मटेरियल बोल लेते हैं, है ना। एक पार्ट है पीयर इंटरेक्शन, बाकी आप अपने लोगों से जो इंटरेक्ट करते हैं, आपको क्लासरूम में मिलते हैं, आप जहां पे भी मिलते हैं। तीसरा पार्ट है सेल्फ ड्राइव, ठीक है। और चौथा पार्ट है टाइम। अब टाइम का मतलब यह है कि नीट की तैयारी करीब 3000 घंटे की है ना। इन चारों चीज का कॉम्बिनेशन आपको अपना रिजल्ट देगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो स्कोर है इट इज अ फंक्शन ऑफ कि आपने सफिशिएंट टाइम नहीं दिया। ये तीनों चीजें थी, पर जब तक आप सीरियस हुए, जब तक आपने प्रॉपरली टाइम देना चालू किया, सिर्फ 15 दिन बचे। क्या इसका मतलब यह है कि अगला नीट एग्जाम कुंभ के मेले की तरह 12 साल बाद है? मैं आपको कहना चाहता हूं गाइस, डोंट टेक अननेसेसरी प्रेशर ऑन योरसेल्फ। फॉर व्हाट? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका 597 आया, खूब रोए। उनको देश का सबसे खराब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता, यदि कॉलेज मिल गया होता, एक नंबर से रह गया, अगले साल मौलाना आजाद में पहुंचे। क्या आपको ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? आप अपने ऊपर क्या अननेसेसरी प्रेशर लेके खुद को रेस से बाहर कर रहे हैं क्या? क्या आप ये सोच के बैठे हैं कि जिंदगी बस 5 मई को जो किया वही है, बाकी आगे कुछ नहीं है? प्लीज बताइए। यश मेरी बात एक बार रुक जाओ, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। क्या आपके इस बार 300 नंबर आएंगे तो इसका मतलब यह है कि टाइम देने के बाद पिछले बार अगले बार वो नंबर नहीं बढ़ेंगे? क्यों हम प्रेशर ले रहे हैं? पेरेंट्स कह रहे हैं, फ्रूटी वीलॉग कह रही है कि पेरेंट्स हर रोज डांटते हैं, उनको बताओ कि मैं इतना ही टाइम लगा पाई उसकी वजह से नंबर आ रहे हैं। पेशेंस रखो मेरे साथ, आपकी अब वो उम्र हो गई है कि दिस इज नॉट अ गुड एनफ एक्सक्यूज कि समवन इज शाउटिंग एट यू। प्लीज टेल देम कि पीछे हट जाओ। I am in control of things. इस बार मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मेरे से यह हो गया वो हो गया, नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू डू इट। पर कम ऑन गाइस, किस बात का प्रेशर? क्या आप छीनेंगे क्या रिजल्ट? क्यों जीते इस बात की? इज दिस क्लियर गाइस? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं?
अपने आप को डीप्रेशराइज करिए, फाइंड पीस ऑफ माइंड, गो एंड हैव एन आइसक्रीम, गो एंड हैव अ चॉकलेट, टॉक टू अ फ्रेंड, प्रेशर मत लीजिए, बंद कमरा है, अंधेरा है, सोचे जा रहे, क्या सोच रहे भाई, बाहर निकलो, वॉक पे जाओ, समझ आ रहा है गाइस? मैं एक और पर्सपेक्टिव दे देता जी सर, क्यों ना आज एक काम करें, पिछले 8वीं 9वीं क्लास याद करते हैं, कोई ना कोई ऐसा एग्जाम हुआ होगा जो बहुत डर लगा होगा, आप याद करो, आपने 8th 9th में थे तो इस तरह की सिचुएशन फिर आई होगी, तो याद करिए 5-6 साल पहले आपने किसी एग्जाम में काफी ज्यादा वो किया, क्या आज उसकी कोई रेलेवेंस है आपकी जिंदगी में? जो जिस चीज का आपने इतना बड़ा हवा बना रखा था, क्या आज डज इट मैटर टूडे 5 ईयर डाउन द लाइन? जब सर ये कह रहे हैं कि कुंभ का मेला नहीं है और आपका कन्विक्शन है, और मान लीजिए सपोज कीजिए इस बार किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, और अगर आपने अच्छे से ईमानदारी से ये समझ लिया कि मैंने टाइम नहीं दिया और बिना टाइम दिए ये होगा नहीं, और अगली बार टाइम दे दिया तो मेरे से समझ लीजिए कि ये हो जाएगा, तो आज से 10 साल बाद क्या इस 1 साल को कोई पूछ रहा है? क्या आपने जाकर के कभी किसी डॉक्टर से ये पूछा है कि आपने कौन से अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया था, तभी मैं दिखाऊंगा आपको? नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जिंदगी में कहां लिखा है? और आज से 10 साल बाद जैसे वो पिछले 8वीं क्लास की बात कभी आज रेलेवेंट नहीं है, ये आगे भी रेलेवेंस नहीं होगी इसकी। दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से, जो होगा अच्छे के लिए होगा अगर आपने उससे राइट लेसन्स लर्न किए। आज से ये कुछ सालों बाद इसका मतलब नहीं है। जी सर, ठीक है गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको दूसरा पर्सपेक्टिव दे देता हूं इसका, है ना, पर मैं आपको सीरियसली बोलना चाहता हूं कि प्लीज एग्जाम की जितनी औकात है उसको उतनी तवज्जो दीजिए, उसको सर पे मत बैठाइए, प्लीज फॉर गॉड सेक। नरेश त्रेहन एम्स दिल्ली नहीं गए थे, बात खत्म, ही इज द बिगेस्ट डॉक्टर, कैन आई से दैट सर? हां, यस यस, फेयर इनफ, राइट? तो फॉर गॉड से एक, मतलब परेशान मत होइए गाइस, मैं दूसरा आपको पर्सपेक्टिव बता देता हूं। सिलेक्शन के 3 पार्ट है, 3 parts to selection, है ना, 15,000 questions प्रैक्टिस में प्लस जो भी क्वेश्चन टेस्ट में किए, ठीक है, करेक्ट परसेंटेज, प्लस, और तीसरा टेस्टिंग। आपने इनमें से किसी चीज में नहीं हो पाया होगा, यू नो व्हाट द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इज, अगली बार कर लेना यार, पर ये जो है अर्जेंसी मत बैठाइए 15 दिन की, मैं लेके रहूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं, कुछ भी नहीं। You want to become a doctor, you want to be extremely patient, you have to figure out what went right, what did not go right. और उसके हिसाब से सोच रहे हैं guys. ठीक है? Is this clear? आगे बढ़े? चलिए सर। यार जो भी बोल रहे हैं, मेरा last नीट है, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये दूसरा मैंने बोल दिया। 15 घंटे डेली पढ़ना है, 10 घंटे डेली पढ़ना है, सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए डेली? नहीं, ये मैं अब तक, अगर इसका सर आपको नहीं मिला व्हाट वर्क्स बेस्ट, तो फिर आपने सीखा नहीं, ये आपको पता होगा, हर एक आदमी की अपनी साइकिल होती है सर। ठीक है सर, तो मैं 12 घंटे बिल्कुल सही मान रहा हूँ इस टाइम। 15 आवर्स और 10 आवर्स तो, और 12 आवर्स। अब मैं, क्योंकि मैं इस वाले नंबर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता एग्जाम से, 7 घंटे सोना है, हाँ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत रियलिस्टिक फिगर है, अगर मैं बहुत ढंग से बैठा तो। सर बॉडी को थकान हो रही है, प्रेशर फील हो रहा है, तो इट इज बेटर टू नॉट स्टडी, टेक अ ब्रेक, यस, देन कम बैक व्हेन यू कैन फोकस, यस यस, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट? नहीं तो आप 4 घंटे बैठ करके और उठने के बाद आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि आपने पढ़ा क्या, तो आप ये 4 घंटे क्यों लगा रहे हैं? और वैसे भी पीरियोडिक ब्रेक तो बहुत ज़्यादा, अभी अभी मेरे को है ना, कोई जना मेरे जो मेंटर समझ लो, वो मुझे एक बात, मेरे को नाम नहीं याद है उसका,
समथिंग ही सेड, समथिंग शायद आपको पता होगा, पोमेडोरो टेक्निक, कुछ पोमेडोरो टेक्निक है, पोमेडोरो क्या है वो, पोमेडोरो। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली जो हमारी जो साइकिल काम करती है वो 20-25 मिनट इंटेंस काम करो और 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापस आओ, 20-25 मिनट काम करो, ऐसे 3-4 पोमेडोरो लगाओ और उसके बाद आधा घंटे का ब्रेक ले लो। तो दैट वॉज वेरी अपीलिंग टू मी। तो मतलब दैट एम्फेसाइजेस कि यार 20-25 मिनट के बाद में ह्यूमन बींग है, एग्जाम वाला टाइम नहीं है कि 3 घंटे 20 मिनट उसी टाइम बैठ के करना है, पर घर में जब आप पढ़ रहे हैं तो बहुत इंटेंसली आपको पता है अगले 20-25 मिनट ही तो मेरे को कंसंट्रेट करना है, दैट इज डूएबल। जब आप ये कहते हो कि 5 घंटे बैठने के बजाय क्या करना है, मतलब केवल 25 मिनट बैठना है, 25 मिनट इंटेंसली पढ़िए और 5 मिनट की क्या ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, वो एक वॉक हो सकता है, किसी बच्चे के साथ खेलना हो सकता है, घर में अपने दादा दादी से बात करना हो सकता है, और वापस आकर के फिर 25 मिनट दीजिए, आप देखेंगे कि आपकी कंसंट्रेशन कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने मेरे से शेयर किया, मैंने इसको अप्लाई किया, मुझे लगा कि वाकई में दिस इज अ यूजफुल टेक्निक। बाकी आप ज्यादा बताएंगे मेरे को। नहीं सर बिल्कुल ठीक है, मैं बस इन्हें ये बोलना चाहता हूँ कि एग्जाम में भी अगर 15 क्वेश्चन करने के बाद में मोमेंटरीली एग्जाम के अंदर ही ब्रेक सर, क्या करें, डीप ब्रेथ लेना, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत आप है ना, अपना ध्यान अपने सांस पे ले आइए। कैसे लेते हैं जरा, जैसे मान लीजिए आप एक डीप ब्रीद इन करते हैं, सबको पता है सर, आजकल सबको पता है, जब आप अपनी सांस पे ध्यान लेते हैं 15 क्वेश्चन बाद ऐसा, हाँ, तो आप अपनी सांस पे, या जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हाउ टू ब्रिंग बैक योर अटेंशन, दिस इज वन ऑफ द प्रूवन टेक्निक्स है ना। तो उसमें कोई ऐसा काम करिए जहां पर आपका ध्यान बाकी सबसे हटके उस एक्टिविटी पे आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपने हाथ को ऐसे करके और इस पर अपना ध्यान दीजिए कि यार मैं ये काम कर रहा हूं, और उसके बाद में आपके दिमाग से सारी चीज हट जाएगी, एंड देन यू रिलैक्स इट, एंड इमीडिएटली ये 15 सेकंड की बात है और आप वापस किस पर आ गए, पेपर पे आ गए। सो पेपर में भी अगर आप पीरियोडिकली वहीं बैठ करके ब्रेक ले सके तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। हमारा जो दिमाग है ये बेहतर काम करता है इस तरह की कंडीशंस में, कोई भी चीज जो आपके लिए वर्क करती है उसको आप इस्तेमाल एग्जाम के अंदर भी कर लीजिए। सो मेरा अपना मानना यह है कि पीरियोडिक ब्रेक ना केवल पढ़ाई में बल्कि एग्जाम के दौरान भी, कुछ लोगों को मैंने देखा है चश्मा रखते हैं टेबल के ऊपर और इस तरह से आंख को 2-3 बार ऐसे कर लेते हैं, एंड देन दे अगेन कम बैक। सो दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली वर्क्स, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर करके देखिए कि वेदर इट वर्क्स फॉर यू और नॉट, क्या इस तरह से भी वो जो 30-40 नंबर आप बढ़ाना चाह रहे हैं उसमें क्या 10 नंबर का कॉन्ट्रीब्यूशन अनफोर्स एरर को हटाने में इस तरह की टेक्निक से भी हो जाता है कि नहीं हो जाता है। पर गाइस मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, दुनिया की मत सुनिए, उसने मुझे बोला 15-16 घंटे पढ़ रहा हूं, 2-2 घंटे रात को सो रहा हूं, फॉर गॉड सेक डोंट लिसन टू अदर पीपल। आधे क्यों बोल रहा हूं, 90% लोग जो आपसे इन चीजों के बारे में ऐसी एडवाइस दे रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं चलो एक जने को हटाया कॉम्पिटिशन से, आज ये रात को सोएगा नहीं। प्लीज फॉर गॉड सेक अपने हिसाब से देख लीजिए, रूल बहुत सिंपल सा है। यदि आपका दिमाग डीफोकस हो रहा है, आपको नींद आ रही है, आप फोकस नहीं कर पा रहे, प्लीज उठ जाइए, पानी पीजिए, वॉक करके आइए, तब पढ़ने बैठिए। व्हेन यू आर रेडी टू स्टडी, अपने आप को एक अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन और बर्डन के तले मत दबाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीस ऑफ माइंड, है ना। यदि आप किसी दिन आपका 10 घंटे की जगह 7 घंटे की पढ़ाई हो पाई, दैट इज ओके, रादर देन शिट अब क्या होगा, नहीं वो नहीं चलेगा। ये मुझे कोई बोल रहा है अभी यहाँ पे, सर आज पढ़ाई नहीं हो पाई, तो क्या हुआ यार, कोई बात नहीं। विल दैट डिसाइड कि आपका नीट में कितना स्कोर आएगा, नहीं, 100% नहीं। तो प्लीज जो हो रहा है होने दीजिए, अपने आप को रेस्ट करिए, रात को 7 घंटे सोइए, सुबह नहा धो के पढ़ने के लिए बैठिए, रेगुलरली खाना खाइए, हाइड्रेटेड रहिए, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इज दिस क्लियर? विद्या न प्रतिम नाथ, बाकी चैनल पे बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ चैनल पे नीट का पेपर भी दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं है ये सब। अगला क्वेश्चन बताइए सर, ठीक है चलो आगे चले, अगला क्वेश्चन ये भी कर लिया, कितने घंटे सोना है। हाँ सर ये तो हम कर ही चुके हैं कई बार, ये है, चलो सर तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए, डू
और डाई पता होगा इस क्या है बोलो. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. दिस इज ऑनेस्ट आंसर दो इसका. आपको जो लगता है, आपको लगता है पहला आंसर है पहला दे दो, आपको लगता है दूसरा आंसर है दूसरा दे दो. लेट अस डिस्कस अबाउट इट फॉर 5 मिनट्स. तो मैंने आपको बोला था, मैंने एक थंबनेल आपसे बना के दिया था जिसमें लिखा हुआ था डू और डाई, और मैंने आपसे कहा था ऐसा क्रॉस बन के एक बनाया हुआ था. आपको खुद से ये बोलना है कि नो एग्जाम इज अ डू और डाई एग्जाम. इनफैक्ट नो सिचुएशन इज अ डू और डाई सिचुएशन. ये फंडामेंटली गलत है. लाइफ में कौन सक्सेसफुल होगा, कौन खुश होगा, कौन नहीं होगा, इट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट विल हैपन ऑन 5th में. आपको रिजल्ट चाहिए फॉर एग्जाम्पल, है ना सर? हाँ. और ये रिजल्ट आपको एक एक्स नंबर ऑफ आवर्स पढ़ के आएगा, वाई नंबर ऑफ टेस्ट दे करके आएगा, जेड आपकी जो है हेल्थ वगैरह अगर ठीक रहेगी हर स्फीयर में तब आएगा. ठीक है सर. अब यहां पर आप क्या क्या कर सकते हैं वो आपके इम्पैक्टफुल काम है. इसका मतलब ये हुआ वो आपके कंट्रोल के काम है. कंट्रोल का काम ये नंबर ऑफ आवर्स लगाना है, कंट्रोल का काम अपनी सेहत का ध्यान देना है, कंट्रोल का काम डिसिप्लिन से आपको टेस्ट देना है. अगर आपने इसकी जगह इस तरह के क्वेश्चंस में दिमाग लगाना शुरू किया पेपर कैसा आएगा, यहां से आएगा कि नहीं आएगा, तो आप वो काम कर रहे हैं जो आपके कंट्रोल के है नहीं और आप उसमें डिसीजन फैक्टर है नहीं. यहां पर एंग्जाइटी ब्रीड होना शुरू हो जाएगी और यहां पर वो रिजल्ट नहीं आएगा. सो सिंपल फंडामेंटल ये है कि आपका टाइम उन चीजों में जाना चाहिए जहां से आप इस पर असर डाल सकते हैं. और अगर आपने हर 3 घंटे में अपने आप से पीछे मुड़ के जब ये देखा कि पिछले 3 घंटे में क्या मेरा टाइम वाकई में उस तरफ गया है जिससे रिजल्ट आता है, तो आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा, आपकी लाइफ भी मैनेज हो जाएगी, आपके फियर भी मैनेज हो जाएंगे, आपकी एंग्जाइटी भी खत्म हो जाएगी और ये बात तो है ही कि रिजल्ट आ ही जाएगा. आफ्टर ऑल इट इज नॉट अ वेरी वेरी बिग रॉकेट साइंस. So, बहुत लोग कहते हैं मेरा टाइम कैसे मैनेज करूं, इस तरह से मैनेज करिए हर 3 घंटे में ये देखिए कि पिछले 3 घंटे में मैंने किया क्या है. और जैसे ही आप ये इन्वेंटरी रखना शुरू करेंगे दूसरे तीसरे दिन आपको खुद समझ में आ जाएगा, अरे यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं, मैं ये कर क्या रहा हूं, इसका तो कोई ना कोई रिजल्ट आना ही नहीं, तो मैं जो कुछ और चीज तो नहीं देख रहा. तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपका टाइम जाता कहां है. और जैसे ही आपने देखा कि अभी मैंने पीछे नेटफ्लिक्स में बैठ करके दो वो देख लिए, क्या कहते हैं, एपिसोड देख लिए जो कि मैं 5 मई के बाद भी देख सकता हूं, मना नहीं कर रहा, बिल्कुल देखिए, है ना, लेकिन 5 मई के बाद भी देख सकता हूं, तो इमीडिएटली आपको यह समझ में आ गया कि मेरी गड़बड़ कहां पर है. और आपने ये कहा कि अब की बार ये नेटफ्लिक्स देखूंगा नहीं, 5 मई तक नहीं देखूंगा इमीडिएटली. इसीलिए आप खुद बहुत कुछ जानते हैं अपने बारे में. मैं आपको बता रहा हूं, यू विल बी सरप्राइज्ड कि अगर आप इतनी सी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अपने बारे में कितनी चीजें पता चलेंगी. कि जैसे ही आपको यह पता चलेगा अरे मैंने यार आधे पौने घंटे गॉसिपिंग में कर दिया, मैंने किसी के साथ फोन मिलाया, उसने मेरे साथ जो है वो तो अपना पढ़ करके बेटे आपसे फोन मिला करके एक तरह का स्ट्रेस बस्टर की तरह काम कर रहा है और आप जो है बेटे उसके साथ एक प्रॉक्सी की तरह लगे हुए. सो इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ चीजों को आपको नो कह देना है और इमीडिएटली आपका टाइम मैनेज होना शुरू हो जाएगा. जी सर. ठीक है गाइस, तो अब मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं. यहाँ पे काफी सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं. यश अग्रवाल, एक चीज पूछा जा रहा है, यश अग्रवाल एक चीज बता यार, तेरे 670 नंबर आ रहे हैं, हमने आपको इतनी चीजें बताई, इज इट वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि आगे क्या करना है? आप बताओ, आपके 200 नंबर आ रहे हैं, आगे क्या करना है? हैव वी नॉट एक्सप्लेन्ड इट? या आप चाहते हो कि प्रिसाइसली यश अग्रवाल ऐसा करो, आयनिक इक्विलिब्रियम का एमटीजी की बुक के अंदर जो 70वें पेज पे क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन कर लो, उससे आपके 700 आ जाएंगे. बताओ, क्या आप उस टाइप की एडवाइस चाहते हैं, क्या आप इस टाइप का डायरेक्शन चाहते हैं कि हाँ सर समझ आ गया, वी विल फिगर इट आउट. प्लीज गाइस, डोंट लुक फॉर प्रिस्क्रिप्शन, देयर आर नो प्रिस्क्रिप्शंस इन दिस वर्ल्ड. जो भी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं वहां बेवकूफ होते हैं, बाबा जी होता है ना, बाबा जी मत बनाओ यार, यू कैन फिगर इट आउट योरसेल्फ. यश, कैन यू फिगर आउट योरसेल्फ? आप बताइए. मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको इस वाले लाइव सेशन के बाद
ये समझ में आया कि आप अगले 15 दिन किन चीजों पे ध्यान रखना है। यदि आपको नहीं समझ में आया मैं एक बार समराइज कर देता हूं। रुक जाइए, लेट मी डू दैट। यदि आपको थोड़ा प्रिसाइज चाहिए तो लेट मी डू दैट। पहली चीज, अपना कोई प्लान बना लीजिए। प्लान का मतलब है नंबर ऑफ टेस्ट फ्रीज कर लीजिए। लेट से एक मिनट के लिए मैंने मान लिया कि 4 टेस्ट लिखेंगे। जिनके कम नंबर आ रहे हैं आई थिंक इट इज ओके इवन इफ यू राइट 2 टेस्ट। दूसरी चीज, 12 आवर्स ऑफ स्टडीज डेली, है ना? तो 15 दिन 12, 180 घंटे हो गए, है ना? लो 180 घंटे का ब्रेकअप बना लेते हैं, उसके हिसाब से डेली स्केड्यूल बन जाएगा। 4 टेस्ट लिख रहे हैं, हर टेस्ट से पहले 15 घंटे का रिवीजन, 4 घंटे का टेस्ट, 2 घंटे का पोस्टमार्टम, तो 4 × 21 84 घंटे हो गए, ठीक है? बाकी 100 आवर्स स्टडीज करनी है। जैसी भी स्टडीज करनी है, आपको स्पेसिफिकली चीजें समझ में आ रही है जिनको वापस पढ़ना है, यू फिगर आउट ये 100 आवर्स बेस्ट कहां पे लगाने चाहिए। हमने आपको एक नजरिया ये दिया कि बायो केमिस्ट्री फिजिक्स 300, 110, 60 इस वाले लाइव सेशन में हमने आपको ये बोलने की कोशिश की है कि यहां पे जो 10 नंबर बढ़ाने में मेहनत लगेगी उतनी मेहनत में यहां पे 30 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो प्लीज मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन दैट कि ये 100 घंटे कहां लगाने। इनफैक्ट यू कैन इंक्रीज इन नंबर ऑफ आवर्स बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ टेस्ट, दैट इज ओके, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? और तीसरी चीज है, वॉट एवर गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, ठीक है? वॉट एवर, मैं कह रहा हूं लिटरली वॉट एवर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, वॉक पे जाना है, किसी से बात करनी है, नॉवल पढ़ना है, डांस करना है, गाना सुनना है, ऐसी चीज में मत पढ़िए विच विल कंज्यूम। एक बार आप नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम पे जाते हैं या हॉटस्टार पे जाते हैं, यदि वो बहुत सारा टाइम खा रही है यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बट एवरीथिंग एल्स विच गिव्स यू पीस ऑफ माइंड शुड बी ओके। ये हो गया आपका प्लान, अब इसके अंदर आप फिगर आउट कर लो। मैं वापस बता देता हूं, आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट कि यदि आप पीस ऑफ माइंड के साथ रिमेनिंग 15 डेज निकाल रहे हैं यू विल हैव अ गुड रिजल्ट। नहीं तो यदि आप अननेसेसरली खुद को प्रेशर में डाल रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं अपने घर वालों पे या किसी और पे, ठीक है, आज एक घंटे कम पढ़ाई हुई उस पर डिसअपॉइंट हो रहे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। चिल होने की जरूरत है, बार बार खुद को जैसा आमिर खान बाबा बोले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल में है ना, ये असल में बहुत दिनों बाद ये बात समझ में आती है कि मैं जो कर सकता था अगर मैंने वो किया तो रिजल्ट बड़ा स्वीकार हो जाता है आदमी को। आपको शायद आज नहीं समझ में आएगा लेकिन तो मेरा कहने का मतलब यह है कि थोड़ा कुछ दिनों बाद जाकर के आपकी समझ में आएगा कि अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं ये बात माननी पड़ेगी कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। बाद में फ्यूचर में पता नहीं क्यों मुझे इस तरह की कुछ बात याद आ रही है कि स्टीव जॉब्स ने एक बार ये कहा कि उनको किसी जगह से, उन्होंने एक कॉलेज में कोई कैलीग्राफी की क्लास शुरू करी, सर समथिंग लाइक दैट, डू यू रिमेंबर दैट? प्रतिम नाथ को हटा दो यहां से, है सर 2024 का पेपर चाहिए, है कि नहीं है? क्या सर? कुछ स्टीव जॉब ने ये कहा था कि एक बार मैं गई कैलीग्राफी की क्लास ज्वाइन कर ली, मुझे लग रहा था मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मेरा जो कंप्यूटर है दैट वाज द बेस्ट डिजाइन्ड कंप्यूटर, तो ही वाज कनेक्टिंग द डॉट्स। उसने कहीं पर एक बहुत बढ़िया स्पीच दी है कनेक्टिंग द डॉट करके। तो वो पीछे की जब बात करते हैं तो आज आप जो भी चीज सीख रहे हैं वो आगे जिंदगी में डिसाइड होगी कि आपने टाइम खराब किया कि क्या किया। आप अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए बेटे, आप बेस्ट एफर्ट दीजिए, जिंदगी बहुत बड़ी चीज
है, जिंदगी में सक्सेस के मायने बहुत अलग है, इसी एक एग्जाम से बहुत कुछ चीजें, ऐसा नहीं है कि खाली यही एक एग्जाम सब कुछ डिसाइड करेगा, ये तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन इसको जैसा सर कह रहे हैं सिर पर बैठने दीजिए एंड ट्राई टू लव योर फेट कि भाई ठीक है यार मेरे साथ जो हुआ वो बहुत अच्छे के लिए हुआ। ये जिस दिन आप सीख जाएंगे, जिस दिन आप सीख जाएंगे तो आप बिलीव करना आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि यहां पर अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए, बिल्कुल अपने, अगर किसी के 15 मान लीजिए दिल में आपको पता है मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो चलिए फिर भी 15 दिन के लिए एक टारगेट बना लीजिए कि मैं कम से कम बायो में 300 मेरे नंबर आते हैं, नीट में मेरे 320 से ऊपर नंबर आएंगे, ताकि ये कॉन्फिडेंस लेकर के से फॉर एग्जांपल आप एक बार तैयारी दोबारा शुरू कर सके। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो माइक्रो टारगेट्स है इनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। आपने कहा कि मैंने फिजिक्स में 12th पढ़ा क्योंकि मैं 12th बोर्ड की तैयारी कर रहा था, मेरे को 11th का टाइम नहीं मिला, तो क्यों ना ये टारगेट रख लिया जाए कि इस नीट एंट्रेंस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन 12वीं में से आएगा वो मैं जरूर ठीक कर दूंगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ यू टेक द थिंग्स आउट ऑफ एवरी टास्क, यहां से आप पॉजिटिव इकट्ठा करते हैं। सो इस तरह के भी आप माइक्रो टारगेट्स बना सकते हैं और इस चीज को आप अचीव करेंगे तो ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो आपको ये बताएगा कि हाँ अब आपको समझ में आ गया है इस एग्जाम में, आप कैपेबल भी हैं और चलिए इसको और अच्छे से किया जाए। दिस इज व्हाट अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। क्यों सर, क्यों कुछ छोटे टारगेट बनाओ अपने। सर मैं इनसे फाइनली पूछना चाहता हूं, गाइस हमें जो भी आपको बताना था वी हैव बीन टॉकिंग फॉर एग्जैक्टली 1 आवर, मैं आपसे दो चीजें चाहता हूं। सबसे पहले ये बता दीजिए जब आप प्रेशर फील करेंगे आप उस समय पे। अच्छा एक क्वेश्चन देख गया मुझे, तो मैंने एक किसी बच्चे की स्ट्रेटजी देखी सर, तो उस बच्चे के घर में उसकी दादी, तो वो दादी को कुछ बायोलॉजी आती नहीं ऑब्वियसली, हाँ या नहीं, तो वो अपनी दादी को बैठा करके और बायोलॉजी सुनाता था। एक बच्चा ये कह रहा है कि मैं रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ बायोलॉजी में, याद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं रहता, प्रेशर है ना तो नहीं, और वो चक्कर क्या है सर मुझे क्यों याद रहती है बायोलॉजी, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूँ। सो सबसे बढ़िया तरीका ये है किसी भी चीज़ को याद करने का कि आप किसी को पढ़ा दीजिए, तो जब आप किसी को पढ़ाएंगे तो आपको वो चीज़ खुद याद हो जाएगी, दूसरे को याद होगी कि नहीं होगी। मैं इतने सालों से ज्ञान बांट रहा हूँ, मेरे सारे बच्चों को ज्ञान तो मिला नहीं, पर मैं कई बार रिवीजन के चक्कर में बैठे काफ़ी ज्ञानी हो गया हूँ। कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी को पढ़ा देते हैं तो वो बड़ी आसानी से आपकी याददाश्त बन जाता है। तो उन्होंने क्या किया, घर में अपने पेरेंट्स ले लिया, ग्रैंड पेरेंट ले लिया, उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा, उन्हें बैठाया आधे घंटे और फोटोसिंथेसिस के बारे में, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, केल्विन साइकिल के स्टेप्स क्या क्या हैं, रेस्पिरेशन में क्रेब साइकिल के स्टेप क्या क्या हैं, एग्जाम का नाम क्या, इस एंजाइम का नाम क्या है। और वो बता रहे थे कि कई बार उनके जो ग्रैंड पेरेंट है वो शब्द को बोलने की कोशिश करते थे तो बड़ी हंसी भी आती थी और इमीडिएटली जो है वो एक फन क्रिएट होकर के एक जोवियल एनवायरमेंट और बन जाता था। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि आपकी जो कंपनी है इस टाइम पर वो बहुत बढ़िया है। अगर आपकी कंपनी बहुत पॉजिटिव है और अगर आप कहीं इस तरह के चक्कर में फंस रहे हैं कि आपको चीजें याद नहीं हो रही हैं, आप जो भी चीज टाइम उनके साथ डिस्कशन में, जब भी आप कुछ डिस्कस करेंगे आपकी रिटेंशन बहुत ज्यादा होगी। ये बात तय है, दावे के साथ तय कह सकता हूं कि 4 लोग जब बहुत अच्छे से पॉजिटिव माहौल में एक दूसरे की मदद करते हुए पढ़ते हैं तो चारों का सिलेक्शन होता है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर। ऑलराइट गाइस, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं क्विकली, मैं आप लोगों से सर आपको थोड़ा सा डराना पड़ेगा, मैं आप लोगों से क्विकली ये पूछना चाहता हूं, वी वांट टू फिनिश दिस लाइव सेशन, आई क्विकली वांट टू आस्क यू, जब आप प्रेशर फील करेंगे, जब गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेट होंगे, आप क्या करेंगे जरा बता दो, What will you do? And Vittal Nayak, Vittala Nayak, जो बच्चे का नाम है, don't you have a smile on your face right now? जैसे ही आप इस चीज को याद करते हैं, एक हंसी आई कि नहीं आई बेटे चेहरे पे, और जिस टाइम पर हंसी आई तो आप भूल गए ना बेटे जितना भी आपका टेंशन थी। This is what I am trying to say. We have to find happiness. Yes, yes, very good, very good. Figure out कर लीजिए क्या करेंगे, ठीक है? It is very, very important कि हम प्रेशर ना लें। मैंने इस वाले लाइव सेशन में, शर्मा सर ने इस वाले लाइव सेशन में इस वाले क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है कि आपके 300 से नंबर आगे कैसे बढ़ेंगे। यू विल फिगर इट आउट,
टिल द टाइम यू आर नॉट फीलिंग द प्रेशर. और ध्यान से देखा जाए तो इसी का जवाब दिया है. और आप ध्यान से देखेंगे तो इसी बात का जवाब दिया है. सही तो गाइस दिस इज प्रीटी मच इट. सब लोग यहाँ पे लिख दीजिए और बार बार खुद से बोलिए. आमिर खान ने बोला है गाइस, पूरी मूवी इस चीज पे चलती है, एंड में बच्चा अटक गया था, उसमें से आवाज नहीं आ रही थी, आमिर खान बाबा आवाज है जब वो ऑल इज वेल बोले. ठीक है, आपको याद होगा. तो सब लोग बोल दीजिए ऑल इज वेल, एंड आई एम श्योर ऑल इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेल. ठीक है गाइस, आप यदि रेगुलरली खुद से बोलेंगे सब बढ़िया है, सब अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, सब सच में अच्छे के लिए होगा. ठीक है, बहुत बढ़िया सर, वो पीडीएफ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सब चीजें बांट तो रहे हैं. करेक्ट करेक्ट. ठीक है गाइस, ऑल गुड ऑल गुड. बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. हम आपसे रेगुलरली इंटरेक्ट करते रहेंगे. आप शर्मा सर के टेलीग्राम चैनल पे देख ही चुके हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पीडीएफ्स आ रहे हैं, उससे पहले भी कुछ कुछ चीजें आती रही हैं. वी विल कीप यू एंगेज्ड. बस आप डटे रहिए, खड़े रहिए, अंदर गंदे ख्याल मत आने दीजिए, एंड ऑल इज गोइंग टू बी वेल. बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक गाइस.